हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक टॉप की कंपनी बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे लगा सकते हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग पैसे लगा सकते हैं। 25, 50, 100 शेयर खरीद के छोड़ दीजिए रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इस कंपनी में आपका पैसा डबल पे डबल होता ही रहेगा। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, इसी तरह से आपका पैसा बनता ही रहेगा। हमें कई लोग कमेंट करते हैं कि 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, मैं 20 साल बाद, 15 साल बाद पैसे का क्या करूंगा। तो भैया, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो, बैंक में एफडी करते हो, तो आपको जल्दी रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो फिर आपको तुरंत पैसा चाहिए, इसीलिए आपका पैसा डूबता है। जिस तरह आप लोग प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ देते हैं, एफडी करके 10 साल छोड़ देते हैं, उसी तरह आप लोग शेयर खरीद के भी 10-15 साल छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर पैसा मत लगाइए। और आपको अगर तुरंत पैसा चाहिए तो फिर आप ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन बाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इस मार्केट में जो लोग भी आते हैं उनको तुरंत रिटर्न चाहिए होता है, इसीलिए वो पैसे बना नहीं पाते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि भैया रातों रात पैसा नहीं बनेगा, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करके पैसा 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लॉस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि आप लोग को करना है उल्टा, पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बढ़िया कंपनी खरीदिए, मार्केट में कुछ साल समय बिताइए, 3-4 साल, फिर आपको खुद ही पता होने लगेगा कि मार्केट कैसे चलता है, कहां पे पैसा लगाना चाहिए, कहां पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको अगर साइकिल चलाना नहीं आता है तो क्या आप तुरंत साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिए थे, साइकिल पे बैठे थे तुरंत आप सीख गए थे साइकिल चलाना? तो भैया, आप लोग मार्केट में समय बिताइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ही जाके आप पैसा बना पाइएगा। रातों रात पैसा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा, और उसके चक्कर में आप लोग लॉस ही करेंगे। मार्केट को सीखिए, समझिए, उसके बाद पैसे लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाइए। तो भैया, ये जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये एक टॉप की कंपनी है जिसमें आप लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा सकते हो। बच्चों की शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पैसा लगा के छोड़ दीजिए। पॉलीकैब जैसी कंपनी में आपका कैपिटल बिल्कुल ही सेफ है। और आप सभी लोग को पता है कि पॉलीकैब कंपनी करती क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और पहले से पैसे लगा के रखे हैं तो और भी पैसे लगा सकते हैं। अब ये स्टॉक 5,000 का होगा, 25-50 शेयर भी खरीद के छोड़ देते हो तो 10-15 सालों में, 20-25 सालों में अच्छा खासा पैसा बना लोगे। मुझे तो ये कंपनी पसंद है भाई, इसलिए मैं इस स्टॉक को कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। मैं खुद भी पैसे लगा के रखा हूँ। मैं तो भैया पैसा बहुत पहले लगाया था, आईपीओ के समय ही पैसा लगाया था। आप लोग भी अगर पैसे लगाए होंगे तो आपका भी पैसा बन रहा होगा। आप लोग को मैं पुराने वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, और ये सब वीडियो मैं इसलिए दिखाता हूँ भाई ताकि आपको पता चले कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 1000 शेयर खरीद के रख लो, वेल्थ क्रिएशन, करोड़पति बनाने वाला शेयर, आंख बंद करके माल उठा सकते हो। तो जी हाँ, पॉलीकैब इंडिया इसी कंपनी में आंख बंद करके माल उठा सकते हो। ये वीडियो मैं 28 सितंबर 2019 को बनाया था, कोविड के पहले बताया था भाई। मैं इस कंपनी को आईपीओ से रिकमेंड कर रहा हूँ। किस प्राइस से वीडियो बनाया था आप लोग मैं वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 697 रुपए के प्राइस से बनाया था 28 सितंबर 2019 को। और मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भी गया था, और जब रिजल्ट खराब आया था भाई तो 25-30% का करेक्शन भी हुआ था, फिर कोविड में करेक्शन हुआ था। तो भैया, ऐसी कोई भी कंपनी है जिसमें करेक्शन नहीं होता है, आप अगर होल्ड करोगे तो ही बड़ा पैसे बना पाओगे। जो लोग पॉलीकैब जैसी कंपनी को होल्ड किए आज के टाइम पैसे बना रहे होंगे। अब तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये स्टॉक नहीं चलेगा। चलेगा, शेयर का प्राइस 5000 भी होगा, 10000 भी होगा, 20-25000 भी होगा, लेकिन उससे पहले कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकता है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत हो गई है तेजी, अब नहीं चलेगा। तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इन्फोसिस में पैसे इसलिए नहीं लगाए 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले कि बहुत हो गई है तेजी, बहुत हो गई है तेजी, तो भैया आज भी वो स्टॉक चल ही रहा है। जो लोग 20 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्री में इसलिए पैसे नहीं लगाए कि बहुत हो गई है तेजी, बहुत हो गई है तेजी, तो भैया आज भी वो स्टॉक चल रहा है। जो लोग एशियन पेंट में 20-25 साल पहले पैसा इसलिए नहीं लगाए, उनको लगा कि बहुत हो गई है तेजी, तो भैया आज भी एशियन पेंट चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो भैया देखो, आपको अच्छी कंपनी खरीदना है, क्वालिटी कंपनी खरीदिएगा,
अच्छी बैलेंस्ड वाली कंपनी पैसा लगाइएगा तो आपका पैसा सालों साल बनेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। मैं जब बजाज फाइनेंस में पैसा लगाया था तो 14-15 हजार करोड़ का था मार्केट कैप। तो भैया उस समय भी वो स्टॉक चला हुआ था, आज भी स्टॉक चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो आप लोग कभी मत सोचिए कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है तो आगे नहीं चलेगा, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। जो कंपनी चलता है ना वो चलता ही रहता है, पिडिलाइट चल ही रहा है। 10-12 साल पहले लोग टीवी बोलते थे कि पिडिलाइट बहुत महंगा स्टॉक है, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। आज भैया कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है? आज क्या पिडिलाइट सस्ता है? 7-8 साल पहले बजाज में सस्ता मिल रहा था। तो सस्ता महंगा मत देखिए, कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पैसे लगाइए, वरना फिर घूमते रह जाइएगा। हम तो छोटी कंपनी वीडियो बनाते हैं, बड़ी कंपनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जिसका भी बैलेंस शीट मजबूत होता है मैं बस उसी कंपनी वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कंपनी का अगर बैलेंस शीट मजबूत होगा, कंपनी प्रॉफिट करेंगी, तभी वो स्टॉक चलेगा। आज नहीं 2 साल बाद चलेगा, लेकिन चलेगा पक्का। लेकिन कंपनी का अगर बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, बिजनेस में दम नहीं है, तो स्टॉक अगर 10 गुना हो भी गया ना तो फिर से स्टॉक वहीं पे चलाएगा। तो आप तो भैया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो कंपनी वो खरीदिए जिसका बैलेंस शीट मजबूत हो। इसलिए मैं पॉलीकैप को कई बार रिकमेंड कर चुका हूं, एस्ट्रल पाइप, ये सब कंपनी पे मैं वीडियो बनाते रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है एस्ट्रल पाइप जैसी कंपनी में पैसा बनेगा ही बनेगा, एपीएल अपोलो पाइप जैसी कंपनी पैसा बनेगा ही बनेगा, प्रिंस पाइप में पैसा बनेगा। आप परेशान मत होइए, जितने भी हॉस्पिटल वाली कंपनी है भाई, सभी कंपनी पैसा बनेगा। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ग्रीन पैनल जैसी कंपनी पैसा बनेगा, सभी कंपनी पैसा बनेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए कि ग्रीन पैनल नहीं चल रहा है, प्रिंस पाइप नहीं चल रहा है, चलेगा, पेशेंस रखिए। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। पुराने वीडियो का लिंक ही मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे लिंक दिया हुआ भाई, और भी कई सारी कंपनी पे मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसका भी लिंक मिल जाएगा। L&T Infotech पे मैं 1600 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। L&T Infotech में आप लोग एवरेज कीजिए, SIP कीजिए। बालकृष्ण इंडस्ट्री 795 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है भाई। मिंडा इंडस्ट्री में पैसे लगाइए, वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। राजरतन ग्लोबल में पैसे लगाइए, राजरतन ग्लोबल चल भी रहा है। SRF 2700 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक 11-12 हजार तक चला गया था, अब फिर से SRF का प्राइस 11-12 हजार होगा, लेकिन रातों रात नहीं होगा। HED ग्लास कोट 924 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। अतुल लिमिटेड 3487 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। मेट्रोपोलिस 1370 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। एवेन्यू सुपरमार्ट 1430 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। ICICI Lombard 716 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। JMM फोडलर 1682 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक 6000 रुपए के ऊपर भी गया था, उसके बाद इस कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ और कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था भाई। फिर से JMM फोल्डर का प्राइस 6000 होगा। HDFC AMC चल नहीं रहा है भाई। डिक्सन टेक्नोलॉजी 4000 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक 20-22 हजार रुपए तक गया था, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, बोनस स्प्लिट हो गया। फिर से डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइस 20-22 हजार होगा, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। फाइन ऑर्गेनिक 1108 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा भैया 6000 का टारगेट अचीव हो चुका है, अब जो मेरा टारगेट है वो 10000 का है। 10000 भी होगा, 20000 भी होगा, बस आपको होल्ड करना है। मुथूत फाइनेंस 505 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। IGL 266 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। आवास फाइनेंशियल 1376 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। रिलैक्सो फुटवेयर 440 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। रिलैक्सो फुटवेयर फिर से लाइफ टाइम हाई लगाएगा, 2500-2600 रुपए का हो जाएगा भाई। दीपक नेटेड 275 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। बर्जर पेन 302 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। कैम करक्स 50 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है भाई, एक बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, बोनस स्प्लिट भी हो चुका है। जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था कैम करक्स पे तो 25 करोड़ का ही मार्केट कैप नहीं था, उस समय से ये स्टॉक 25-26 गुना हो चुका है और फिर से कॉर्पोरेट एक्शन होगा कैम करक्स में। ADF फूड 264 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। ब्लैक रोज 50 रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि ब्लैक रोज कब चलेगा, चलेगा भाई, जब चलेगा तो 5000 हो जाएगा, 5 लाख का पोर्टफोलियो का भी लिंक मिल जाएगा, 50000 का पोर्टफोलियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग ये सब वीडियो देखिए, सभी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंट्राडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में।
धन्यवाद।